वंस माय नेम इज डॉक्टर भक्तमंद नायक बीएड फैकल्टी बारहगुड़ा कॉलेज बारहगुड़ा. टुडे आई विल डिस्कस द टूल्स एंड टेक्निक्स. टूल्स टेक्निक्स जो है हम लोग थर्ड सेमेस्टर यूनिट टू में है, उसी को हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं और उसी का जो फॉर्मल्स और इनफॉर्मल्स एवोल्यूशन. तो हम लोग फॉर्मल्स इनफॉर्मल एवोल्यूशन जो औपचारिक तो अनौपचारिक मूल्यांकन किसको कहते हैं. तो पहले फॉर्मल्स जो डेवलप किया गया था जिसको बुलाया जाता है तो फादर ऑफ द मॉडर्न एजुकेशनलिस्ट मीट हरेश मोन जो डेवलप किए थे फॉर्मल व औपचारिक शिक्षा. फिर अनौपचारिक शिक्षा ये इनफॉर्मल्स एजुकेशन जिसको किया गया था ये फिलिप्स कुंबे उसको डेवलप किए थे. आज हम लोग फॉर्मल थे इनफॉर्मल व औपचारिक अनौपचारिक के बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे. और औपचारिक किसको कहते हैं. औपचारिक शिक्षा ऐसी जिसमें समय स्थान अध्यापन विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित रहता है तो उस शिक्षा के औपचारिक शिक्षा कहते हैं. औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक को नियंत्रित वातावरण में अथवा आर्टिफिशियल एनवायरमेंट रहते हैं क्लासरूम में रहते हैं. जैसे कि आप लोगों को कोई भी विद्यालय शिक्षा अनुष्ठान आप लोग स्कूल कॉलेज महाविद्यालय विश्वविद्यालय उसी में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को ही औपचारिक शिक्षा बोला जाता है. तो औपचारिक शिक्षा का जो होता है उसका हम लोग का रूपरेखा व ब्लू प्रिंट्स का अनुसार उसका उद्देश्य रहता है, उसे पाठ्यक्रम रहता है, अध्यापन विधि रहता है, समय स्थान व्यक्ति प्रणाली से पहले से ही तैयार किया जाता है उसी को हम बोलते हैं उसका फॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन हम लोग का स्कूल विद्यालय में ही पढ़ाया जाता है और समय सीमा उसका रहता है. आगे बढ़ेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन. इनफॉर्मल में अनौपचारिक शिक्षा किसको कहते हैं. अनौपचारिक शिक्षा जैसे कि आप लोग का तो लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जीवन में भी प्रक्रिया जैसे चलते रहता है जीवन से लेकर के आप लोग इंडिंग पोजिशन तक तो हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं. हम लोग को विद्यालय जाना नहीं पड़ता जैसे कि आप लोग को फॉर्मल एजुकेशन में हम लोग विद्यालय जाना पड़ता था उसका सिलेबस को देख करके आगे हम लोग को उसी का अनुसार अर्धवार्षिक वार्षिक एग्जाम में हम लोग को बैठना पड़ता था उसका एवेल्युएशन होता था. लेकिन उसका ये जो इनफॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा में उसका हम लोग का उसी टाइप का एवेल्युएशन नहीं होता है. हम लोग जीवन व्यापी प्रक्रिया कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं. तो दैनिक जीवन के विभिन्न अनुभवों से प्राप्ति होते हैं पर अनुभवों से जो प्राप्त होता है उसी को ही अनौपचारिक शिक्षा बोला जाता है. जो भी ज्ञान हम लोग अनुभव करते हैं अनुभव जो हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को औपचारिक शिक्षा बोला जाता है. जैसे कि मुख्य साधन जिस तरह का आप लोग का परिवार हो गया समाज हो गया सामूहिक संस्कृति हो गया संग्रहालय हो गया मेला हो गया इत्यादि में हो हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं. जी आप लोग का जो भी ये बाइगोट्स्की कहना है बस सोशल सामाजिक का जो बाइगोट्स्की जो दिए हैं कि समाज सोसाइटी से हम लोग कितना हम लोग का अंतर्निहित गुण कैसे विकसित हो पाता है. तो इनफॉर्मल एजुकेशन वही है जैसे कि हम लोग का स्कूल कॉलेज नहीं जाकर कितना ज्ञान प्राप्त करते हैं. तो हम लोग देखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्मल द इनफॉर्मल एजुकेशन का हम लोग कंपेयर करेंगे डिफरेंट बिटवीन द फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन जो पूर्व निर्धारित होता है और तो उसका निर्धारित समय रहता है उसका जो इनफॉर्मल जो तो अनौपचारिक उसका पूर्व निर्धारित कोई रहता नहीं. तो यही कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन जो देखा जा रहा है फॉर्मल एजुकेशन उसका भी आप लोग का तो सुनिश्चित प्रक्रिया है प्रोसेस है लेकिन उसका प्रोसेस इनफॉर्मल एजुकेशन का उसका सुनिश्चित प्रक्रिया नहीं है. यही हो गया तो आप लोग का फॉर्मल एजुकेशन आप लोग का कोई भी विद्यालय में तो क्लासरूम में बैठाया दिया जाएगा उसी का समय के अनुसार 10 से 4 का अंदर में आप लोग विभिन्न प्रकार के शिक्षक आएंगे आकर अपना व्याख्या करेंगे तो उसी में हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आप लोग आर्टिफिशियल एनवायरमेंट में रखा जाता है उसमें हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं. लेकिन वो जो इनफॉर्मल एजुकेशन जो ज्ञान प्राप्त करता है जैसे कि लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जीवन में प्रक्रिया ये लोग तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो हो गया तो ये हो गया प्राकृतिक वातावरण में ये लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं. जैसे कि हर जगह में आप लोग जस्ट कम करके जैसे परिवार में समाज में सामूहिक संस्कृति संग्रहालय मेला इत्यादि में जो आप लोग कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं ये बात में इनफॉर्मल एजुकेशन और सबके लिए तो उपलब्ध नहीं होता है. कुल ये फॉर्मल एजुकेशन है सबके लिए
उपलब्ध नहीं होता, जो गरीब बच्चे हैं तो स्कूल विद्यालय जा नहीं पाते हैं। लेकिन यही हो गया, जैसे कि आप लोगों का सबके लिए उपलब्ध नहीं होता है फॉर्मल एजुकेशन औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए सब लोग सबके लिए उपलब्ध होता है। ये लोग कहीं भी कहीं कितने को ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और देखिए फॉर्मल एजुकेशन का जिस टाइप का हम लोग क्लास जाते हैं, नाम लिखा दिया जाता है, नाम लिखने के बाद हम लोग का क्लास में जो रूटीन का अनुसार हम लोग का समय का अनुसार हम लोग का पाठ्यक्रम जो सिलेबस दिया गया सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ना पड़ता है। और बीच बीच में हम लोग का जो असाइनमेंट दिया जाता है, फिर क्लास टेस्ट किया जाता है, क्लास टेस्ट करने के बाद में हम लोग का अर्धवार्षिक एग्जाम लिया जाता है, अर्धवार्षिक एग्जाम लेने के बाद फिर हम लोग का वार्षिक एग्जाम लिया जाता है, उसे मूल्यांकन किया जाता है और मूल्यांकन करने के बाद में उसका प्रमाण पत्र मिलता है। लेकिन हम देखेंगे इन्फॉर्मल एजुकेशन में उसी टाइप का नहीं है, उसका प्रमाण पत्र कभी मिलता ही नहीं है, हम लोग ज्ञान प्राप्त करते। तो ये हो गया, तो आप लोग का फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो आगे बढ़ते हैं, जो दिया गया आप लोग का टेस्टिंग, फॉर्मल एजुकेशन का दिया गया है तो टेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, और इनफॉर्मल एजुकेशन का दिया गया था पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन टॉकिंग टेकिंग नोट्स द इंटरव्यू द एंगेजिंग एक्टिविटी इटीसी, ये दिया गया। तो आगे बढ़ते हैं, फॉर्मल एजुकेशन जो आप लोग का विद्यालय में हम जाकर जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी का जो आप लोग को टेस्टिंग्स कैसे किया जाता है। टेस्टिंग्स हम लोग जो परीक्षण जो किया जाता है, पहले में हम लोग जो अध्ययन किए थे इससे किए थे, तो परीक्षण जो करते हैं तो आप लोग का अचीवमेंट उपलब्धि परीक्षण जो किया जाता है, बच्चा का तो बौद्धिक ज्ञान को जानने के लिए तो अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है, तो आप लोग का इंटेलिजेंस टेस्ट जो किया जाता है, तो इंटेलिजेंस बुद्धि परीक्षण जो किया जाता है, बच्चा का बुद्धि कितना है इसको जानने के लिए तो बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो पर्सनलिटी टेस्ट क्या है, कैसे किया जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण तो बच्चा का, तो बच्चा का व्यक्तित्व को जानने के लिए पर्सनलिटी टेस्ट किया जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे एटीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट देखते हैं जैसे आप लोग का बच्चा का एटीट्यूड किस टाइप का है उसे टेस्ट करके हम लोग जानते हैं। फिर इंटरेस्ट टेस्ट, तो रुचि, बच्चे का रुचि किस टाइप का है उसे टेस्ट करके हम लोग जानते हैं। तो उसी टाइप का डायग्नोसिस टेस्ट जो होता है, अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोसिस टेस्ट ज़्यादातर हम लोग को किया जाता है। लेकिन हम लोग का पर्सनलिटी टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो इंटरेस्ट टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट ही नहीं किया जाता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इंटेलिजेंस नहीं अचीवमेंट और डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं। तो डायग्नोसिस टेस्ट किसको बोला जाता है, डायग्नोसिस टेस्ट उसी को बोला जाता है जो आप लोगों को बच्चे का कोई कठिनाई आया है उसी का तुम्हें सुझाव लाने के लिए उसको तुम्हें इम्प्लीमेंट कैसे मैंने उसको किया जाएगा, कैसे डेवलप किया जाएगा उसको तो करने के लिए, तो उसको हम लोग को किया जाता है, जो आप लोग डायग्नोसिस टेस्ट किया जाता है। तो आगे एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, तेरे उपलब्धि तेरे अक्षमता तुम्हें परीक्षण किसको बोला जाता है, अविचलन अवचेता परीक्षण जो विशिष्ट गुण को हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ विशिष्ट गुण है, तो विशिष्ट गुण को तुम्हें जानने के लिए हम लोग तो अविचलता तुम्हें टेस्ट करते हैं, जिससे कि आप लोग का एप्टीट्यूड सचिन तेंदुलकर है जो एप्टीट्यूड इन द क्रिकेट, लता मांझी सर एप्टीट्यूड इन सॉन्ग, तो उसी टाइप हर व्यक्ति के पास में कुछ ना कुछ एप्टीट्यूड है, तो अविचलता है जानने के लिए हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग का, तो उसी टेस्टिंग जो किया जाता है, टेस्टिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पूरा। पहले करते हैं हम लोग का इंटेलिजेंट टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट को हम लोग दो भाग में विभक्त कर दिया, वर्बल टेस्ट और ओरल टेस्ट, वर्बल जितने शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल टेस्ट को फिर हम लोग दो भाग में विभक्त कर दिया। शाब्दिक टेस्ट को कैसे किया जाता है, एक तो इंडिविजुअल वर्बल, इंडिविजुअल टेस्ट वर्बल थे, फिर ग्रुप टेस्ट वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट किया जाता है, एक व्यक्ति को लेकर के जो पढ़ सकता है लिख सकता है उसी को हम टेस्ट करके उसको इंटेलिजेंस बुद्धि का मापन करते हैं। और दूसरा हो गया तभी वर्बल ग्रुप टेस्ट, वर्बल ग्रुप टेस्ट की सामूहिक बच्चा का बुद्धि को परीक्षण एक साथ हम लोग करते हैं एक क्लासरूम में, ये तुम्हें हो गया तभी वर्बल का इंडिविजुअल टेस्ट एंड वर्बल ग्रुप टेस्ट। आगे बढ़ेंगे उसका नॉन वर्बल टेस्ट, वर्बल एंड नॉन वर्बल, नॉन वर्बल क्या है, जो पढ़ नहीं सकता है, जो लिख नहीं सकता वही टेस्ट किया जाता है। तो वर्बल टेस्ट कब हुआ था, नॉर्मल टेस्ट कब हुआ था, ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। वर्बल टेस्ट हम लोग का अल्फ्रेड विने जो फादर ऑफ द इंटेलिजेंस बुद्धि, फादर ऑफ द इंटेलिजेंस बुद्धि
का जो जनक जिसको बोला जाता है अल्फ्रेड बिने जो किया था 2005 में किया था। फिर आगे बढ़ेंगे 2005 के बाद में आप लोग का एलन टर्मन ने आया था, डॉक्टर मिरल ने आया था, तो उस टाइम आगे बढ़ाए थे उसको। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग का नॉन वायरल टेस्ट जो किया था आप लोग का, जो अमेरिका में फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, जो टेस्टिंग किया गया था आर्मी अल्फा टेस्ट किया था उसका। तो आर्मी अल्फा टेस्ट जो किया था इसमें तो आप लोग का जो दो भाग में इसका हो गया था इंडिविजुअल नॉरल टेस्ट और ग्रुप नॉरल टेस्ट। तो इंडिविजुअल नॉरल टेस्ट और ग्रुप नॉरल टेस्ट उसके बाद आर्मी अल्फा टेस्ट आर्मी बीटा टेस्ट किए थे, उस टाइप का टेस्ट किया गया था। अगर बढ़ेंगे तो अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट कैसे किया गया था, अचीवमेंट टेस्ट जो किया गया था तो उपलब्धि तो बौद्धिक तो ज्ञान कितना प्राप्त हुआ उसी को जानने के लिए हम लोग अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट जो होता है तो अचीवमेंट टेस्ट के बाद तो कुछ फॉर्मूला है तो कितना बच्चा कितना अचीव किया। सपोज आप लोग का सिलेबस में जितना भी हिस्ट्री है सीबीएस है तो मैथ है कोई भी जितना भी सिलेबस में जो भी आप लोग का दिया गया है तो 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास का, तो उसी का अनुसार मतलब बच्चा कितना तो आप लोग को मार्क्स लाया, मार्क्स अचीवमेंट मैंने किया है उसी को हम लोग टेस्ट करने के लिए हम लोग तो देख किसमें है भाई, जीनियस में आया गिफ्टेड गया कि सुपरियर आया कि एवरेज आया, तो इसको जानने के लिए ये आप लोग का डॉक्टर मिरल ने जो किया था जब 0 से लेकर 140 तक जीनियस गिफ्टेड सुपरियर एवरेज बिलो एवरेज डॉल मिसाइल मोरल इडियट जिस टाइप का क्लासिफिकेशन किया था तो इंटेलिजेंस बुद्धि का, तो उसी को हम लोग देखेंगे तो बच्चा तो आप लोग का फॉर्मूला जो है आप लोग कैसे आप लोग को मापा जाता है, जीनियस होगा कि गिफ्टेड होगा कि सुपरियर होगा एवरेज होगा, जानेंगे क्या हम लोग क्या करते हैं फॉर्मूला है अचीवमेंट टेस्ट का। क्या फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला है जैसे कि आप लोग का ई क्यू एजुकेशन क्वेश्चंस स्कूल एजुकेशन क्वेश्चन इज इक्वल टू हो गया तुम्हें ई ए बाई सी ए ई एम सी एजुकेशन एज बाई सी ए बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 ये हो गया था फॉर्मूला वन। फॉर्मूला टू हम जाएंगे अचीवमेंट क्वेश्चन, अचीवमेंट क्वेश्चन किस में लाया जाता है, अचीवमेंट क्वेश्चन का उसका फॉर्मूला है जैसे आप लोग का यहाँ पे ए क्यू इज इक्वल टू ई ए इंटू एम ए इंटू 100 हो गया, ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला। फिर इसका ई ए एजुकेशनल एज का निकालने के लिए आप लोग को पहले भी वीडियो में दिखाए थे, तो इसका तो आपका भी एम ए तो निकालने के लिए मेंटल एज की निकालने के लिए उसका फॉर्मूला है। मेंटल एज का फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज तो पार्शियल एज प्लस पार्शियल क्रेडिट इक्वल टू मेंटल एज, तो उसी टाइप का है। तो आप लोग का अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है, फॉर्मूला उसी टाइप पुट अप करके अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है। पहले आगे बढ़ते हैं तो पर्सनालिटी टेस्ट, तो पर्सनालिटी व्यक्तित्व परीक्षण किसे किया जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण जो हम लोग करते हैं हम लोग का बहुत प्राचीन काल से आज तक चल रहा है। तो पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट में बहुत तरह के हम लोग का परिभाषा भी दे चुके हैं, डिफिनेशन दे चुके हैं, तो एक डिफिनेशन आप लोग को बोल रहे हैं अभी। पर्सनालिटी, व्हाट इज पर्सनालिटी, पर्सनालिटी इज द डायनेमिक रिलेशंस विद इन द इंडिविजुअल ऑफ द साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। तो हम लोग का पर्सनालिटी टेस्ट हम लोग परीक्षण का बारे में चर्चा करेंगे। पर्सनालिटी टेस्ट जो किया गया था पहले का हम जब टेस्ट किया गया था पहले हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़कर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो हम लोग का मेंटल हो गया दिमाग माइंड को हम लोग को सिगमंड फ्रेंड्स साइकोएनालिटिक थ्योरी करके जो विश्लेषण करके तो बोले हैं कि मन का जो तीन टुस्ता है कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस बा कॉन्शियस होकर कोई भी हम लोग थोड़ा से जवाब देते हैं कुछ भी करते हैं कॉन्शियस होकर के और अनकॉन्शियस प्रैक्टिस सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस। सपोज हम लोग एक करते हम लोग देखेंगे तो आप लोग किस तरह से पर्सनलिटी टेस्ट किया जाता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड द प्रोजेक्टिव एंड द नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज किया जाता है व्यक्तित्व परीक्षण में। तो सब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव टेक्निक में क्या किया गया था, सब्जेक्टिव टेक्निक में वही जो था मेथड था आप लोग का थ्रे ऑटोबायोग्राफी मेथड आत्मजीवनी के बारे में बच्चा अपना आत्मजीवनी बारे में लिखेंगे। हो गया केस स्टडी मेथड, केस स्टडी मेथड क्या है, फादर मदर सिस्टर जो आप लोग का पास जा करके उसी के पूछ करके उसका पर्सनालिटी को जानने के लिए हम कोशिश करते हैं। हो गया सब्जेक्ट सब्जेक्टिव का, और क्वेश्चन मेथड क्वेश्चन दे करके
जानने के लिए प्रयास करते उसे व्यक्तित्व किस तरह का, फिर इंटरव्यू मेथड साक्षात्कार, साक्षात्कार भी मेथड हम लोग अपनाए थे, ये उसी को देखकर कंसियस होकर के बच्चा जिस तक दे रहा है तो अपना जो खराब गुण है कभी आगे बोलेगा नहीं, जब तक नहीं बोलेगा तब उसका पर्सनलिटी कभी आएगा नहीं। ये हो गया तो सब्जेक्टिव रिजेक्ट कर दिया गया, तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन मेथड यूज किया गया था, ऑब्जर्वेशन मेथड भी वही हुआ था जब आप लोग क्लास में बैठे हुए बच्चे को आप लोग ऑब्जर्व करने जा रहे थे, सपोज आप लोग बच्चा देख के सार आ रहे हैं तो ये लोग कॉन्शियस हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे कि सार आ रहे हैं, तो हम लोग डांटेंगे थोड़ा से चुपचाप बैठ जाएंगे, फिर असाइनमेंट बैठेंगे, आप लोग ऑब्जर्व कर कभी होने वाला, क्योंकि जब कॉन्शियस होकर के कुछ ना कुछ आप लोग जांच करने का प्रयास कर रहे हैं कभी नहीं होने वाला। आगे बढ़ेंगे जो ऑब्जर्वेशन मेथड, रेटिंग स्केल मेथड, सिस्टमेटिक डिवाइस एंड दी ये चीज जो हम लोग करेंगे विच कॉन्शियस होकर जब दे रहे हैं। सिस्टमेटिक डिवाइस भी आप लोग सपोज आप लोग 10 स्टूडेंट को चुना जाएगा, 10 स्टूडेंट में आप लोग का जो अच्छा लीडर है उसी को चुनने के लिए बोला जाएगा, तो देखिए जो अच्छा व्यक्ति है, अच्छा पर्सनलिटी है, व्यक्तित्व है, तो उसे कभी ये लोग ठीक ढंग से चुन नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरा कॉन्शियस है लड़का, सपोज उसका तो पैसा वाला आदमी है तो सब लड़का को सोशल वाला आदमी है, या आप लोग का तो पर्सनलिटी हम देखे थे, या आप लोग का इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एम्बिवर्ट, जो आप लोग पर्सनलिटी जिसके पास अच्छा व्यक्तित्व है आपका आस्तनिक है, तो आस्तनिक धुला पतला लंबा है तो इंट्रोवर्ट है चुपचाप रहेगा, जो सपोज दूसरा आदमी ज़्यादा है तो आस्तनिक पिकनिक जो है जैसे सोशल सैक्रिफाइस करता है, तो वही लड़का जो है तो सब लड़का को कैप्चर कर लेगा, जो व्यक्तित्व जो जिसके पास है तो आस्तनिक है, दुबला पतला लंबा है, चुपचाप रहता है, मतलब सैक्रिफाइस की सेवा नहीं करता है, तो उसको लीडर जो अच्छा व्यक्तित्व को हम लोग कर नहीं पाएंगे, उसमें पैसा देकर भी खरीद ले सकता है, जैसे आप लोग का MLA MP वोट जो हो रहा है उसी टाइप का जो अपना सही ढंग से नहीं हो पाता है। ये हो गया तो आप लोग का सिस्टमेटिक डिवाइस। आगे बढ़ेंगे से प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एक्चुअली जो हुआ था आप लोग कॉन्शियस गायब हो जाता है, कैसे गायब हो जाता है, आप लोग हॉर्मोन रोसक हॉर्मोन रोसक जो किया था, ये रोसक एक ब्लड टेस्ट जो किया था 1921 जो किया था, जो आप लोग इंक को लेकर जो ब्लैक लिया था रेड लिया था और मिला जुला इंक को लेकर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो देखा गया तो कॉन्शियस गायब था, तो वही हुआ था। एक आगे TAT थोमेटिक ऑपरेशन टेस्ट किया था 1935 में किया था, मुर्गन मुरे ने किया था, जो वही टेस्ट किया था बच्चे का, तो आप लोग सपोज एक पिक्चर देखा जाता था और पिक्चर में थोड़ा सा शॉर्ट मैंने थोड़ा स्टोरी लिखने के बोला जाता था, तो स्टोरी जो लिखा जाता है कुछ पॉइंट देता है उसका जो उसमें तथा तो ये हीरो की स्टोरी स्टोरी अपने नीड्स उसका क्या है, स्ट्रेस क्या है, फिर आउटकम क्या है, उसका 3-4 मुद्दा बिंदु रहता है, तो ही बिंदु का आंसर लिखना पड़ता है। ये होगा तो आप लोग का पर्सनलिटी टेस्ट, और तो उसी टाइप का आप लोग का टेस्टिंग आप लोग आगे किए हैं, तो आगे इस टाइप का हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज इतना ही है, दूसरा क्लास में हम दूसरा डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में।